नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रति की सूचना का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता था कि पबजी इंडिया में बैन हो चुका है, और इसके पहले मैं एक वीडियो बताया था जिसमें पबजी कब अनबैन होगा और किसका पार्टनर के साथ आने वाला है। इंडिया के में कोई कोई पार्टनर है, जैसे जियो, एयरटेल, ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है जिसके साथ पबजी आने वाला है। बहुत सारे वेबसाइट में भी हम लोग को देखने को मिला था कि पबजी बहुत ही जल्दी इंडिया को आने वाला है पार्टनर बना के। तो वो खबर तो मतलब बहुत ही पुराना हो गया, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूज देखने को नहीं मिला। अभी कुछ मतलब ऑफिशियल न्यूज आ गया जो कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पबजी इंडिया में बैन क्यों हुआ। दोस्तों, ये पबजी अच्छा खासा चल रहा था, बहुत ही मतलब हाईलाइट हुआ था एक गेम, और जो भी फोन आ रहा था, जो भी कंपनी लॉन्च कर रहा था, तो पबजी उसमें टेस्ट कर रहे थे। वो फोन में अगर पबजी अच्छा चलता है तो वो फोन ज्यादा सेल होगा। कोई स्ट्रीमर अगर बोल दिया कि पबजी के लिए फोन बेस्ट है तो हम लोग टूट पड़ते थे वो फोन का ऊपर। वो बहुत ही जल्दी वो फोन का मतलब सेल इतना बढ़ जाता था कि जैसे कि वन प्लस हो गया या फिर रियलमी का भी कुछ फोन है, रेडमी का भी कुछ फोन है, तो मतलब पता नहीं था इतना जल्दी इंडिया गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगा पबजी बैन हो गया। मतलब एक रात में हम लोग सोए और दूसरे दिन उठते हैं तो देखते हैं कि पबजी बैन हो गया इंडिया में, ऐसे कुछ चीज है। दोस्तों, गवर्नमेंट को क्यों बैन किया पबजी को? दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ये बोल रहा था कि पबजी का जो डाटा, यूजर डाटा प्राइवेसी, हम लोग का जो डाटा प्रोवाइड करते हैं पबजी मोबाइल में, जैसे कि हम लोग का फेसबुक में पबजी को लिंक करते हैं या फिर जीमेल में लिंक करते हैं, दोस्तों वो डाटा प्राइवेसी हम लोग का इंडिया मतलब इंडिया गवर्नमेंट जो रखता था, लेकिन पबजी गवर्नमेंट उसको लीक कर रहा था, मतलब इंडिया से बाहर जा रहा था हम लोग का डाटा। इसलिए हम लोग का गवर्नमेंट एक स्टेप लिया और उसको बैन किया और बोला कि यूजर डाटा जो है इंडिया में रहना चाहिए, इंडिया के अंदर रहना चाहिए। अगर इंडिया के बाहर गया तो हम लोग का कुछ हम लोग का डाटा के साथ छेड़खानी हो सकता है, इसलिए इंडिया गवर्नमेंट इसको बैन किया पबजी को। दोस्तों, ऐसे ही कुछ न्यूज अगर मैं बात करूं तो पबजी मोबाइल बोले कि मतलब जब बैन हो गया तो इन लोग बोले कि हम लोग का जो सर्वर है टेंसेंट, जो इसके साथ पार्टनरशिप करके आए थे, उनको हम लोग छोड़ देंगे और इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक पबजी लेके आएंगे, जैसे कि वियतनाम में पबजी है। और ऑफिशियली जो मतलब चल रहा था, मतलब जैसे कि बोलते हैं आपका जो जितने भी सारे जो अमेरिका या फिर यूरोप जो भी जो पबजी चलता है तो वो उनके लिए एक सर्वर है टेंसेंट, और वियतनाम के लिए भी और एक तो निकला, मतलब वियतनाम में भी पबजी एक बार बैन होता है इसे डाटा प्राइवेसी के लिए, तो उनके लिए अलग है, तो इससे इंडिया के लिए भी ऐसे एक तो आने वाला है। लेकिन दोस्तों, वो न्यूज़ तो हम लोग मतलब कब का देखने को मिल रहा था, अभी तो कुछ फिलहाल नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ पबजी का, दोस्तों पबजी स्ट्रीमर जो है हम लोग का इंडिया का, अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्ट्रीमर ऐसे हैं, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे पबजी स्ट्रीमर हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया भी अच्छे अच्छे खेल प्लेयर हैं, और पबजी का जो मैच होता है तो उसमें बहुत सारे हम लोग के इंडिया में स्ट्रीमर जाते हैं और उसमें अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा प्राइज लेके आते हैं। दोस्तों, अभी आज का न्यूज अगर मैं बात करूँ, ऑफिशियल न्यूज आपको बता रहा हूँ, दोस्तों पबजी जो स्ट्रीमर है उनका सोशल मीडिया अकाउंट में आज थोड़ा विजिट किया और देखा उनका स्टोरी में या फिर फेसबुक प्रोफाइल में या फिर फेसबुक का उसका जो आपका न्यूज अपडेट में, तो उसमें वो अपलोड कर रहे हैं कि पबजी बहुत ही जल्दी आने वाला है, पबजी इज कमिंग बैक, पबजी इज कमिंग सून, ऐसे बहुत सारा हम लोग को न्यूज देखने को मिला, बहुत सारा अपडेट दे रहे हैं कि पबजी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो हम लोग कैसे ट्रस्ट कर ले कि पबजी इन लोग के साथ जुड़ गया है, मतलब इतना जल्दी इनको न्यूज मिल गया हम लोग को नहीं मिला। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पबजी का, तो पबजी का जो स्ट्रीमर है वो पबजी के लिए डायरेक्ट से मतलब उनका ऑफिशियल अकाउंट का पबजी जो है वो डायरेक्ट मतलब कॉन्टैक्ट में रहते हैं, क्योंकि पबजी के लिए वो काम करते हैं, मतलब पबजी आज मतलब क्या बोलते वर्कर हैं पबजी के लिए, क्योंकि पबजी गेम खेल के इन लोग अच्छा खासा पैसा इनकम करते हैं यूट्यूब से या फिर पबजी भी इनको देता है, तो उनके उनका कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहता है पबजी के साथ। इसलिए मेरे को लग रहा है कि इनको पता चल गया पबजी बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि पहले जब पबजी बैन होता है इनको मतलब बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि पबजी खेल रहे थे, अभी दूसरा गेम खेल रहे हैं जैसे कि फ्री फायर हो गया या फिर आपका जो कॉल ऑफ ड्यूटी, लेकिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट में वो अपडेट क्यों दिए? तो कुछ तो होने वाला है, पबजी जितना जल्दी आने वाला है इसलिए इनको पता चला और हम लोग ये अपना व्यूअर को बता रहे हैं कि आप मतलब रेडी हो जाइए, पबजी बहुत जल्दी आने वाला है। ये तो गया स्ट्रीमर का बात, देन बात करते हैं पबजी। तो दोस्तों, पबजी ऑफिशियल जो इंडिया का पेज है, तो उनको जो इन्फ्लुएंशियल गेम बहुत सारे भी ऐसे गेम है जो कि हम लोग भी खेलते हैं, बस पबजी तो बैटल ग्राउंड गेम है और भी बहुत सारे गेम है हम लोग खेलते हैं, लेकिन पबजी का जो आपका जो हेड है तो इंडिया का, तो बहुत सारे कंपनी जैसे कि गेमर गेमर कंपनी, उनको उनके साथ एक तो मीटिंग हुआ था और बोल रहे थे कि हम लोग बहुत ही जल्दी कमबैक करने वाले हैं, तो ये ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी कमबैक करने वाली वो ये मतलब जो कंपनी है, इन लोग एक तो ब्लॉग में लिख करके बताया कि पबजी हम लोग के साथ ऐसे बात हुआ था कि बहुत ही जल्दी पबजी आएगा और रिफ्रेश में आएगा और ये टेंसेंट वगैरह नहीं रहेगा, एक नया मतलब जैसे बोलते हैं नया पार्टनर लेके आएगा, वो इंडियन पार्टनर हो सकता है या फिर दूसरा कुछ, क्योंकि हम लोग को जो पता है पबजी का जो
इंडिया का और पबजी का बीच में क्यों ऐसे गड़बड़ हुआ? एंटी चाइना चल रहा था सेगमेंट, तो पबजी का ऑफिशियल अगर मैं बात करूं तो साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन टेंसेंट का कुछ शेयर चाइना में जाता है, इसलिए इंडिया का चाइना जो एंटी सेगमेंट चल रहा था इसलिए पबजी को बैन किया गया। इंडिया के साउथ कोरिया के साथ कुछ भी मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि साउथ कोरिया में अगर हम लोग का सर्वर भी होता है तो इंडिया उसको बैन करेगा। देन बात करते हैं ऑफिशियल न्यूज के बारे में, पबजी ऑफिशियल में क्या आया है। तो पबजी का ऑफिशियल जो है pubgmobile.com, दोस्तों उसमें बहुत सारे मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ उसका, उधर आप अगर विजिट करते हैं उनका वेबसाइट, उनका न्यूज में लिखा है कि पबजी इज कमिंग बैक वेरी सुन विद ए न्यू मतलब सर्वर, ऐसे कुछ लिखा है। जैसे कि हम लोग को पता है 31 अक्टूबर में पबजी का सर्वर इंडिया में बंद हो चुका है, और भी कुछ कुछ चल रहा है कि हम लोग खेल रहे हैं या फिर केआर वर्सन हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन आपका ऑफिशियल साइट में लिखा है कि हम लोग इसको बंद क्यों इसलिए किए, क्योंकि हम लोग को गवर्नमेंट का द्वारा नोटिस था, अगर हम लोग फिक्स नहीं कर पाते टेंशन के साथ तो हम लोग इसको बंद करेंगे और एक तो नया पार्टनर लेके आएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पार्टनर का, उधर वो मेंशन किए हैं कि क्राप्टन एक तो साउथ कोरियन कंपनी है, उनके साथ मिल के वो मतलब सर्वर साउथ कोरिया में होगा, और हम लोग का यूजर डाटा है वो डायरेक्ट हम लोग टेंशन से वो क्राप्टन को चला जाएगा, और हम लोग का जो आईडी है वो भी, अगर आप यूसी ज्यादा भी खरीद लिए हैं और सोच रहे हैं कि यूसी चला गया, नहीं दोस्तों, वो यूसी कहीं कहीं नहीं जाएगा, वो साउथ कोरियन का जो कंपनी क्राप्टन में ट्रांसफर हो जाएगा। देन वो सब कंफर्म होने के बाद बहुत ही जल्दी इंडिया को आने वाला है, और डेट उन लोग मेंशन किए हैं December 2, तो कंफर्म नहीं है December 2 को आएगा, वो जल्दी भी आ सकता है, क्योंकि इन लोग चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी लाने के लिए, क्योंकि पबजी का यूजर इंडिया में बहुत सारे एक्टिव यूजर रहते हैं, और पबजी का इनकम इंडिया से बहुत ही ज्यादा निकलता है अगर मैं बात करूँ दूसरे कंट्री से, तो इसलिए उन लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी लाने वाले हैं। डेट तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन मेरे को लग रहा है कि पबजी ऑफिशियल जो डेट December 2 तो लिखा है, तो ये जो स्ट्रीमर है जो इन लोग पूरा पबजी से कांटेक्ट में रहते हैं, ये भी मेरे को लग रहा है 2-3 दिन का अंदर ये भी मतलब आगे अगर मतलब अगर अब ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आने वाला है पबजी, ये आपका मतलब कमिंग बैक लिख रहे हैं, कमिंग सून लिख रहे हैं, तो इनको पता चल जाएगा डेट, और ये अपना सोशल मीडिया अकाउंट में अपडेट कर लेंगे कि 2-3 दिन का अंदर अपडेट कर देंगे कब पबजी आने वाला है, और हम लोग बड़े ही अच्छे से खेल सकते हैं। तो ऐसे भी बात है कि पबजी दिवाली से पहले भी उनका न्यूज आ जाएगा कब ये प्ले स्टोर में आएगा, तो फिलहाल तो कंफर्म नहीं है कि पबजी प्ले स्टोर में आ तो जाएगा, लेकिन कब आएगा डेट तो कंफर्म नहीं, लेकिन उधर मेंशन किया है December 2, तो इन लोग स्ट्रीमर के थ्रू पता चल जाएगा। अगर हो गया तो मैं आपको एक तो अपडेट भी दे दूंगा। अगर मैं बात करूँ मेरा कंफर्मेशन मेरा ओपिनियन का अगर मैं बात करूँ तो पबजी मोबाइल ये कंफर्म सुन लीजिए मेरी तरफ से 2020 के अंदर ये पबजी मोबाइल आने वाला है। दिसंबर हो सकता है लेकिन आएगा जरूर, दिसंबर मतलब January 2021 नहीं होगा, December 2020 के अंदर पबजी मोबाइल इंडिया में आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता दिया, बहुत ही इंटरनल सोर्स से लीक में मैं कलेक्ट किया था, तो मेरे को लग रहा है ये लास्ट है 2020 को पबजी रिटर्न आ जाएगा, और बड़े ही आराम से हम लोग पबजी खेल के पट से हेडशॉट मार पाएंगे। तो बस ये था आज के वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चाहे वो बोलते रहिए, बात मत की।